आज के क्लास में हम पढ़ेंगे बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, कोई बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या ये वर्ड पहले कभी आप लोग सुने हैं? सुने थे सर, ठीक है, हम बता नहीं सकते। अच्छा, क्लियर नहीं पता, चलिए कोई बात नहीं। देखिए हम बताते हैं, बूटिंग सबसे पहले जान लीजिए दो चीज होता है, ठीक है, दोनों क्लियर कर लेते हैं। बूटिंग दो चीज होता है, एक फॉर्मेटिंग प्रोसेस होता है। देखिए एक फॉर्मेटिंग प्रोसेस होता है, पहले फॉर्मेटिंग प्रोसेस समझ लीजिएगा क्या होता है। आप नया कंप्यूटर खरीदें, जब आप नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी के जैसा होता है। नया जो बच्चा जन्म लेता है, क्या उसके दिमाग में कुछ है? वो तो देख के सब समझ रहा है, सीखता है ना, माहौल को ये परिचित करता है। सेम वही कंडीशन आपके कंप्यूटर और लैपटॉप और पीसी और टैबलेट सबके साथ होता है। आपका फोन भी जब आप नया खरीदे है ना, तो कुछ आपके फोन में ऐसा एप्लीकेशन होता है जो पहले से अवेलेबल होता है। कोई पांच एप्लीकेशन का नाम बताइए तो, जब आप नया फोन खरीदे और उसमें ऑलरेडी है, गूगल क्रोम, प्ले स्टोर, कैलकुलेटर, लॉक, गैलरी वगैरह, बहुत सारा चीज होता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन। याद रखिएगा, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन क्या होता है कि जो ऑलरेडी जब सिस्टम बन रहा था उसी समय उसको डाल दिया गया। लेकिन ये कि सिर्फ किस कंडीशन में है, आपके फोन के कंडीशन में। कंप्यूटर में जब आएंगे, आपका फोन किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है? एंड्रॉइड को करता है। कल ही परसों या कल बताए थे। और आपका जो ये कंप्यूटर है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है? विंडोज। अब विंडो में बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, आप सुने होंगे, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, विंडोज विस्टा, सब पढ़ाएंगे आगे का क्लास है, ठीक है। तो हम यहाँ थोड़ा देखते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जब आप किसी भी कंडीशन में, या आप नया पीसी असेंबल करवाए हैं, या नया लैपटॉप लिए हैं, या आपका पीसी पूरा फंसने लगा, या आपके पीसी में पूरा वायरस आ गया है, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं कि अपने कंप्यूटर में कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो पहले से है, या तो वही सेम दूसरा चलाते हैं नया एकदम फ्रेश, या तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बदल देते हैं। लाइक एग्जाम्पल विंडोज 7। अगर हम विंडोज 7 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और विंडोज 10 का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये देखिए दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, समझिएगा, ठीक है, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब थोड़ा एग्जाम्पल समझिएगा, विंडोज 7 क्या है ना, थोड़ा स्लो है, किसके अकॉर्डिंग? विंडोज 10। अजी, किसके अकॉर्डिंग विंडोज 7 क्या है? थोड़ा स्लो है, समझिएगा। अब स्लो कहने का मतलब क्या, एक एक बारीकी से बताते हैं। नंबर वन स्लो होने का रीजन, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, एक समय लगता है कंप्यूटर का स्क्रीन आने में, जैसे लाइक एग्जांपल 10 सेकंड लग जाए, 20 सेकंड लग जाए, जो भी लग जाए, ठीक है, तो वो समय लगता है। तो क्या होगा ना कि विंडोज 7 पता चलेगा कि लगभग 20 सेकंड ले लिया स्टार्ट होने में, ठीक है, और ये पता चला कि 5 से 6 सेकंड लिया और स्टार्ट हो गया। पहला अंतर समझ में आया, ठीक है। दूसरा अंतर देखते हैं, अगर हम किसी चीज को ट्रांसफरिंग कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग मतलब समझते हैं, या तो पेन ड्राइव से हम उसमें कॉपी करें, या कंप्यूटर के चीज को पेन ड्राइव मिले, उसको ट्रांसफरिंग बोलते हैं, डाटा ट्रांसफरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम किसी चीज का ट्रांसफरिंग कर रहे हैं तो उसमें वो स्पीड देता है, स्पीड समझते हैं ना, जैसे नेट का आपका स्पीड देता है, सेम ट्रांसफरिंग में भी एक स्पीड देता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि पता चलेगा जो विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें लगा हुआ है, वो सपोज दैट 10 जीबी का जो फाइल होगा ना, वो लगभग 6 से 7 मिनट में आपका कॉपी करके पेन ड्राइव में डाल देगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, जो विंडोज 7 वाला था वो 10 जीबी का करेंगे ना, तो पता चलेगा कि 20 से 25 मिनट ले लिया। कुछ समझ में आ रहा दोनों में अंतर, फास्टनेस और स्लोनेस, इसी तरह सब चीज में। अब विंडोज 7 में क्या है कि कोई एप्लीकेशन खोलेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा डिले करके अकॉर्डिंग टू विंडोज 10 स्क्रीन पे आए, ठीक है। विंडोज 10 में क्या है कि जैसे क्लिक करेंगे फटाक से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। लेकिन एक कंडीशन होना चाहिए कि अगर आप अपने सिस्टम को बहुत फास्ट देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, उसका रैम और उसका प्रोसेसर, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है आपका सिस्टम। जितना ज्यादा आप रैम रखते हैं और जितना अच्छा आप प्रोसेसर लगाइएगा, उतना फास्ट काम करेगा। आजकल का जितना लेटेस्ट मतलब बोर्ड आ रहा है ना, उसमें विंडोज 10 बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। 7 भी करेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जितना ऑपरेटिंग सिस्टम आप यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं क्लास में, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है?
सेवन है ना, सेवन ठीक है, इसलिए रखा गया है क्योंकि ठीक है यहाँ पे फास्टनेस से मतलब यहाँ आपको सिखाना है, और विंडोज सेवन पे जितना बेहतर तरीके से आप सीख लीजिएगा किसी चीज को, टेन पे नहीं सीख पाइएगा, इसलिए यहाँ पे टोटल में क्या सेवन रखा हुआ है ठीक है। तो फॉर्मेटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए हम कंप्यूटर में या तो उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, या तो वो कंप्यूटर नया था, या तो हम क्या कर रहे हैं किसी रीजन से उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं। तो एक फॉर्मेटिंग प्रोसेस आ गया बूटिंग में। दूसरा क्या होता है, बूटिंग क्या होता है ना, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करते हैं, इसको भी बूटिंग बोला जाता है। इसको लिखना है कि ये इरेज कर दे, अगर लिखना है तो थोड़ा लिख लीजिए तो फटाफट से हो गया। चलिए ये जो प्रोसेस है हम लास्ट में देखते हैं, ऐसे ही सब डीसीए का प्रोसेस है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पूरा सीपीयू खोल के आपको बता देंगे कब कैसा। अब मान के चलते हैं छोटा मोटा प्रॉब्लम तो आप समझ के सॉल्व कर सकते हैं, अब कोई उसमें का पार्ट्स खराब है तो वो अलग मैटर है ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं ये वाला ऑप्शन अभी ठीक है। बूटिंग मतलब क्या होता है, स्टार्ट और रीस्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल देके हम समझाना चाहते हैं, ये आपका पावर बटन हो गया क्या चीज का, सीपीयू का ठीक है, आपको पता है ना उसको सीपीयू नहीं बोलते हैं, दिमाग में रखिएगा, सीपीयू नहीं बोलते हैं उसको, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। ये पावर बटन हो गया और ये आपका मॉनिटर हो गया ठीक है, और देखिएगा क्या होता है कि जैसे हम यहाँ का पावर बटन प्रेस किए, समझ, जैसे यहाँ का पावर बटन हम प्रेस करते हैं, आपका यहाँ फाइनल स्क्रीन आने पे, कल आप जब सिस्टम स्टार्ट किए थे क्या स्टार्ट किया तुरंत काम करने लगे थे, थोड़ा देर लगा था स्क्रीन आने में, फिर आप रिफ्रेश किए थे, उसके बाद आप वर्क किए थे, तो समझिएगा इसी को बोलते हैं बूटिंग। यहाँ पे एक और नया टॉपिक क्या है, इसको बोलते हैं बूटिंग टाइम। देखिए बूटिंग टाइम किसको कहते हैं, जब आप पावर बटन ऑन किए और जब तक आपका फाइनल स्क्रीन नहीं आ गया, जैसे आइकन वाला फाइनल स्क्रीन जहां आप रिफ्रेश करते थे, तब तक के बीच का एक टाइम लगा होगा ना बीच में ठीक है, उसको बोलते हैं बूटिंग टाइम, और इसी को बोलते हैं बूटिंग ठीक है। अब उस दौरान होता क्या है समझिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहे इधर। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे पावर स्विच ऑन किए ना ठीक है, तो सबसे पहला जो सर्किट में लाइन आएगा एसएमपीएस में आएगा, अभी थोड़ा बाउंस करेगा बट कॉपी में लिखे रहिएगा तो याद आएगा जब हम टॉपिक पर आएंगे तो ठीक है। एसएमपीएस के बाद क्या होता है, 24 एटीएक्स एक केबल होता है जिसमें 24 तरह का तार निकला हुआ है कंप्यूटर के अंदर ठीक है। ये जाके कहां लगेगा, मदरबोर्ड में। अब मदरबोर्ड क्या करेगा, बस लाइन का यूज करके पूरे सर्किट में करंट देगा। देखिए इतना प्रोसेस होता है ठीक है। सबसे पहले आप क्या किए, पावर बटन ऑन किए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वाला स्विच दिए, बट वहां से हम नहीं, हम क्या से पढ़ते हैं, सीपीयू के पावर बटन से पढ़ते हैं ठीक है। जैसे हम सीपीयू के पावर बटन को ऑन करते हैं, सबसे पहला करंट एसएमपीएस में आया जो कि उसका एक सर्किट है, उसके बाद इसमें से 24 तरह का तार निकला हुआ है, उसके जरिए किसमें आया, मदरबोर्ड में आया, जो पूरा मेन बोर्ड है मदरबोर्ड ठीक है। और उसके बाद मदरबोर्ड में आपको एक भी तार नहीं देखने को मिलेगा, तो आखिरकार जब मदरबोर्ड में एक भी तार नहीं है तो करंट एक जगह से दूसरे जगह कैसे चला जा रहा है, उसका एक मेथड है बस लाइन, आपको दिखाया जाएगा कि बस लाइन कैसा होता है, उसके बाद पूरे सर्किट में फैलता है। तो इस प्रोसेस में जितना टाइम लगता है, अब जैसा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, अभी बताएं अगर विंडोज 7 रहेगा तो फटाफट काम करेगा, 10 ना आपको लगा कि आप लोग कहेंगे हाँ ठीक है, विंडोज 10 रहेगा तो क्या होगा, एकदम फटाफट काम करेगा सर्किट में, एकदम जल्दी जल्दी काम, क्योंकि उसका पूरा चीज एकदम फास्ट है, प्रोसेसर भी अच्छा लगा, रैम भी मेरा फास्ट है, सब कुछ फास्ट है। लेकिन विंडोज 7 रहेगा तो विंडोज 10 के अकॉर्डिंग थोड़ा क्या होगा, स्लो होगा, थोड़ा स्लो होगा ठीक है। यही था ऑप्शन आपका ठीक है। तो देखिए जब आप पावर बटन यहाँ अपने सीपीयू को ऑन करते हैं और जब फाइनल स्क्रीन जब तक नहीं आता है तो उस बीच में एक टाइम लगता है ठीक है, उसको बोलते हैं बूटिंग टाइम ठीक है। अब समझिएगा कि बूटिंग दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहला जो बूटिंग होता है उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कोल्ड बूट। क्या इसके नाम से आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या, कि वार्म क्या होता है और कोल्ड क्या होता है, कम से कम कोल्ड तो बता दीजिए, कोल्ड मतलब, वार्म मतलब, सीधी सी बात है। अब देखिए इसका मीन्स क्या निकलता है यहाँ पे, यही वो मॉनिटर है, इसी पे दोनों का आंसर है ठीक है। वार्म बूट क्या हो गया कि अभी आप लोगों का क्लास कितने बजे स्टार्ट है, खत्म कब होता है, 9 बजे होता है ठीक है।
तो जब आप जैसे ही आप मन के चलते यहाँ प्रैक्टिकल क्लास कर रहे हैं, अभी तो थ्योरी चल रहा है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, जैसे ही आप प्रैक्टिकल क्लास के लिए अपने सिस्टम पे बैठे कुछ देर सिस्टम यूज कीजिएगा, फिर उसके बाद बंद कर दीजिएगा, फिर दूसरा बैच वाला आएगा तुरंत चालू करेगा। तो एक बात बताइए, अभी आप लगातार दौड़ के आ रहे हैं, ठीक है, दौड़ के आ रहे हैं और फिर से आपको काम कर दिया गया, तो मन तो थका हुआ रहेगा ना, सेम वही कंडीशन समझिएगा। ये अभी इसमें कोई काम करके गया रेगुलर एक घंटा, ठीक है, और फिर इसके बाद थोड़ा देर के लिए इसको रिलैक्स दिए, पांच मिनट नहीं हुआ, अब फिर इसको चालू कर दिए, समझ, इसको रेस्ट करने का टाइम मिला, ठीक है, तो आपके रेस्ट के सेंस में होता है और इसके इसके सीपीयू के सेंस में होता है, ठीक है। सीपीयू के सेंस में क्या होता है, जो भी इसका कंपोनेंट था, जो भी इसका पार्ट था, उसको ठंडा होने के लिए, कूल होने के लिए कोई टाइम नहीं मिल पाया इसको, ठीक है, कंटिन्यू वर्क कर रहा है। तो वार्म बूटिंग इसे कहते हैं, देखिए रीस्टार्ट आ जाएगा, वार्म बूटिंग मतलब क्या होता है, इसको रीस्टार्ट के नाम से भी जानते हैं। रीस्टार्ट मतलब क्या हो गया, जरूरी थोड़ी है कि कंप्यूटर को बंद करके तुरंत चालू करना। रीस्टार्ट का मतलब ये भी होता है कि अभी बंद किए थे और आधे घंटे के अंदर फिर चालू कर दिए, 10-20 मिनट में फिर चालू कर दिए, ये रीस्टार्ट होता है, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पे अभी हम यूज कर रहे थे अचानक से बंद कर दिए, फिर दूसरा यूज करने लगा, मतलब उसका प्रोसेसर अभी पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था और फिर उसको हम यूज में लेने लगे, ठीक है। तो वार्म बूटिंग किसे कहते हैं, रीस्टार्ट प्रोसेस को कहते हैं। सपोज डेट अगर आपको बोले कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए कि वार्म बूटिंग हम समझे नहीं, रीस्टार्ट क्या आप बोल दिए, ठीक है, उस कंडीशन में आपको एक्सप्लेन करना है कि वार्म बूटिंग उसे कहते हैं। सपोज डेट मान के चलिए अभी हम कंप्यूटर यूज कर रहे थे और किसी काम से 5-10 मिनट के लिए हम बाहर चल गए, फिर से यूज करने लगे, तो उसका तो प्रोसेसर ठंडा हुआ नहीं था, गरम ही था, फिर हम उसका यूज करने लगे। बट कोल्ड बूट क्या होता है, एकदम उल्टा होता है। सपोज डेट मान के चलते हैं यहाँ शाम को 5 बजे के आसपास तक क्लास चलता है, ठीक है, 4:30 से 5 के बीच में क्लास चलता है, तो जो सबसे लास्ट वाला बैच पढ़ के जाएगा उसके बाद पीसी को रेस्ट करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, 12 घंटे पूरा रात मिलेगा ना। अब बताइए कि फिर जब अभी आके आप किए तो क्या कर रहे हैं, अभी आप लोग जो करेंगे वो कौन सा बूट होगा, आंसर दीजिए, कैसे होगा, क्योंकि आपके पहले किसी ने यूज किया क्या, इसको बीच में रेस्ट करने के लिए पूरा रात, कुछ समझ में आ गया। कोल्ड बूट मतलब क्या होता है ना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना जब वो लंबे समय से बंद था, इसका मतलब क्या है कि उसका प्रोसेसर क्या है, पूरी तरह से एकदम कूल हो चुका है और फिर हम आके उसको क्या किए, स्टार्ट किए, ठीक है। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा इंडिकेट करके, ताकि आपको समझ में आए, और इस फिगर को भी बनाइएगा। बूटिंग टाइम हो गया, और बूटिंग दो प्रकार के होते, आप ऐसे लिखिएगा बूटिंग, और यहाँ लिख लीजिएगा 2 types of booting, number 1, number 2, और इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख ही दे रहे हैं, रीस्टार्ट और यहाँ पे स्टार्ट, और ये प्रोसेस भी लिखिएगा।